मॉम टीचिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज मेरा टॉपिक है आर्टिकल्स। इसमें ए एंड द के बारे में मैं आपको बताऊंगी। वीडियो शुरू करने से पहले आप मुझे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। इस तरीके से बच्चों को लिखवाएं। जो जो वर्ड हमारे ये हैं उसी साउंड के इनपुट के इनको
आंसर दिस इज अ कार. दीज आर कार्स, यह हमारा प्लूरल हो गया, तो इसमें हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे. सेकंड है ईयर, डे, मंथ. ईयर और डे और मंथ अगर होता है तो इसमें भी हम ए नहीं लगाएंगे. ये बच्चों को समझाएं. थ्री एक्सप्रेशन है हमारी लैंग्वेज, स्कूल, सब्जेक्ट्स. जो भी लैंग्वेज होती है या फिर स्कूल का सब्जेक्ट होता है, जो भी बच्चे पढ़ते हैं, उसके आगे भी हम ए नहीं लगाएंगे. जैसे कि फिजिक्स है तो हम ए फिजिक्स नहीं कहेंगे, इसको सीधा फिजिक्स कहेंगे, तो इसलिए ए नहीं लगेगा. हिंदी लैंग्वेज हो गई हमारी, तो इसके आगे भी हम ए नहीं लगाएंगे. एक्सप्रेशन डायरेक्शन, फोर्थ हमारी एक्सप्रेशन है डायरेक्शन. डायरेक्शन ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इसके आगे भी हम ए नहीं लगाएंगे. ए ईस्ट, ए वेस्ट, इस तरीके से हम नहीं लगाएंगे, सीधा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. एक्सप्रेशन हमारी है जैसे शुगर. शुगर तो हमारी ए तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि शुगर तो बहुत होती है, तो इसलिए हम इसको ए, इसमें भी हम ए नहीं लगाएंगे. एक्सप्रेशन मेल, जैसे ब्रेकफास्ट, डिनर, इसमें भी हम ए एन का यूज नहीं करेंगे, इसमें हम सीधा कहेंगे ब्रेकफास्ट, डिनर, इस तरीके से. इस तरह से बच्चों को ये एक्सप्रेशन भी समझाएं कि कहाँ पे द का यूज होता है, कहाँ पे